अम्माई हम तो रसो झूठ बोला। पहले आवाज नीचे कहके बोला, पैदा कहके हाथ ना बड़का कह देनी, चलल बड़न हमरा के सिखावे का सच भर का झूठ बा। अब जान करे के बता रहा, इनके गति करियो हमरा गति करे के कोनो जरूरत नहीं के। भगवान जी के खुश करे खातिर तो इंसान बहुत कुछ करला, लेकिन अब सबका यही पता चली कि गो बेटा अपना माई के खुश करे खातिर का कैला सा। तोरा खातिर छट के व्रत करो। अतनी सा भूख लगला में वो छटपटाए लगेला, चिड़चिड़ाए लगेला। कबो आज ले व्रत नहीं के कैले, कोनो उपवास नहीं के कैले, कैसे करी इतना कठिन व्रत त्योहार छठ पूजा। आप चाची जी, हमका कहा था नी, हमके लगा था कि जेठ जी के छठ के व्रत रखे के ही ना चाहे। कहा ना कि एक तो जेठ जी से हो ही ना, और अगर ऊपर से जेठ जी छठ पूजा के व्रत कर भी ले, कोनो गलती हो जाए तो जोन पाप लगी वो अलग। पता नहीं ऐसे भी घर में का हो गए बा, केकर नजर लगल बा कि सब काम उल्टा पुल्टा हो रहा बा। तो हमके लगा था। हाँ ना माई, अब अमर की के समझाई, तू तो ऋषि आयल बाड़ू और अलगे ठान ले ले बाकी छोट के बरत करी। बात तो ठीक है कहता लोग। ए दीदी तनी जाई ना, प्रभु कही ना, बड़ा ना समझ आई लेका, मुंह से कहल और करल में बड़ा फर्क पड़ेला, प्रभु करके समझाई में रोड बात के कबू ना काटी। ठीक बा, हम जाता नहीं कहता नहीं, अगर मान जाई हैं तो बहुत ही बढ़िया। हाँ दीदी तुम जाए समझाए। रुक जा, कोई जरूरत नहीं खे ओकरा रोकला के। अरे जब वो छठ व्रत करे के चाहता तो तू लोग ओकरा के करे द, काहे रोकतालु। अब वो कहिए देले बा छठ व्रत करे के, अब फिर ओकर मन में कोनो खोटे नहीं खे। अरे भाई तो तू लोग करे द ओकरा के, जब वो एक बार ठान लेला नू तो फिर पीछे हटे के कोनो सवाल ना। केहू ओकरा के पीछे हटे के ना केहू कोई बोली ना ओकरा के कौनो समझाई। का पता छठी मैया ओकरा पर खुश होई के सब दुख हर लेस, कौनो ऐसा रास्ता दिखा देस जमुना से सब समस्या के हल निकल आवे। छठ में की घटता आ गई, चलो। बाकी इस बार बहुत भीड़ लगा था बाबू, कहाँ बात जगह हमने की। अरे भाई छठी में की घाट पागल बन जाता, छठी में जगह यू दिन। चल चल
आज 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 ऐसा बस प्रणाम ऋतु जी। प्रणाम नागेश भैया। नागेश भैया, जैसे आप कहले रानी की भाभी जी के, हमारा मतलब कि रितु जी के पहला व्रत रही और वैसे हम सारी व्यवस्था कर देंगे। चलिए पूजा के कार्यक्रम आरंभ कर जाए। एक हमारा दे अरे रंजन तू यहाँ भाई। अरे गोपाल तू जा भाई। बाबूजी अमर भैया, ये हमारे कॉलेज के फ्रेंड गोपाल हवन और हमने आज बहुत दिन बाद मिले तने जाना हो। प्रणाम प्रणाम। ये हमारे बड़की माई, ये हमारे बहिन, आई हमारे बड़का भैया मिथिलेश। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई हमारे बड़की माई है। आप सब लोग मिल के एक साथ छठ बनाओगे? चले जा आई जा। बहू के लेके जो ना पूजा करना। जब तक माई ना आए बाबूजी, हम पानी में ना जाए। अमर तू माई के जन्मे करेला, अगर वो कोनो बात पे जीत कर लेली ना तो उनके मनावल मुश्किल हो जाला। कह देले बाड़ी कि वो घाट पे ना आई है, हम सब मिलके मनौली है, वो ना आई है। तू जा पूजा कर लो। अरे अमर भैया, अरे अक्षरा तू अचानक से ऐसा कैसे आ गई? अरे भैया, बुआ के पैर छूले बिना ही तू कैसे अपन छठ के पहला व्रत कर सके ताड़ा? हम अकेले देखी आई। जब हमरा पता चलल है कि अमर भैया पहली बार छठ करे वाला बाड़न, यही से हम एजा आ गई। और जब घर पहुंचनी तब पता लागल है कि सब केहू घाट पर आ गए। हुआ लाख मना कैली है, हम ना माननी, इनकर आके जबरदस्ती लेके आ गए बानी कि आखिर बिना माई के आशीर्वाद के बेटा पहला छठ कैसे कर सकेला। तू आ गयलू साथ में हमार माई के ले अलू। छठी मैया आधा मनोकामना तो हमार अभी पूरा कर दिले। और बाकी मनोकामना हुआ के आशीर्वाद से छठी मैया पूरा कर दी है। हे छठी माई, कोमल जैसन लड़की के हमार मिथिलेश के जिंदगी से दूर कर द माई। हम अपन बेटा की जिंदगी बर्बाद हो ना देख सके। माई चला रख के बेरा हो गए बेटे, डुबकी लगा लिया जा। माई क्या परेशान बड़ो? तू छठी माई के घाट पाइल बड़ो माई, सारा चिंता छोड़ दले और इनकरा पर विश्वास रख ले, पूरा दुख हर लिया। चला पूजा के बेरा हो गई बेटे। हुआ खातिर हमरा के बड़ा चिंता होता। 36 घंटा का निर्जल व्रत और वाला से बस यही प्रार्थना बा कि राहु व्रत सफल हो जाए और राहु प्रार्थना पूरी हो जाए। उनका खातिर 36 घंटा तो का हम पूरा जीवन व्रत रख सके नहीं। पवन भैया, हम पानी में जाता नहीं, अर्घ के समय हो रहा बा। ठीक।
बस एक बार ब्याह हो जाए था पीडीओ मैडम, तहार ऐसन हालत कर दे कि पूरा जिंदगी अपन सलामती के लिए व्रत रखबू। कहाँ बड़ा तू, दिखाई नहीं खेत। अरे चैताली दीदी, केकरा से बतिया बतर तू, और ये फोन ककर बतरा हाथ में? मिथिलेश भैया के फोन बा, दिखाई नहीं खे देख का कि मिथिलेश भैया पानी में डुबकी लगावे गईल बाड़े, पानी में फोन लेके केहू जाला का, और तू हमार जासूसी कैले बंद करा ना तो ठीक ना होई। औरत के बेरा हो गई तो तू सामान खोजे लगलू, हाँ जल्दी जल्दी हाथवा का को चलावत एमे के ओमे ओमे के में कैले बड़ी। अरे बहुजी का खोजे तारू? पता न बूची, जल्दी में नारियल घरे पे छोड़ गई। फिर तक घरे से मंगवावे के पड़ी बहुजी। देखा तारू माई, ई तुहर बड़की पतोई, इनसे कौनो काम शुद्ध तरीके से ना हो खेला। घाट पे आयल बड़ी और नरियल में भूल गई बड़ी। रवा चिंता मत कर, हम कुछ जुगाड़ कर रहता नहीं। जब औरत के सामान में घरे बुला गई है तो का करे लू है, मुंह देखा कत लू है? आकिम तिवारी के पतो ही है, देखा लोगी हम आ गई बानी छठ के व्रत करे। अब नारियल भूल गई तब कैसे औरत देबू? काम करे लेने के तो दिमाग रखे लिए होने के तो छुट्टी ना सामान का देने कैसे ही औरत दी बिना नारियल के? तारे के तो छठी मैया देखी। ए फुआ, घर पर ना नारियल तक गाड़ी में छूट गेल रहे। ली भौजी रहुआ पूजा के तैयारी कर। कैसन गुस्सा करेलो, हर गुस्सा ना दिया के कपूर जैसन बा, तनिक में भपके लो और तनिक में बुझा के बुता जालो। अभी तो अमर और आरती से गुस्सा रह लो और अभी माफ कर देव। काबिल रितु का ढूंढा तारू? कहा जाने कहा सिंदूर की डिब्बी रखा गई, मिलते नहीं खे। अपने हाथ से तो रख ले रनी में। चाची रउआ हमरा के अपन सिंदूर की डिब्बी दी ना, हमरा के प्रसादी में चढ़ावे के बाद पूजा के समय भी हो गई बा, कहा जाने हमारे सिंदूर की डिब्बी कहाँ गई, मिलते नहीं खे। अपना दौरा के सिंदूर दूसरा के केहू काहे दी, खुद से अपन सिंदूर लेके आवे के रहुए ना। छठ पूजा तक कोई अपन सामान तोहरा के ना दी का भाई, कोनो दिक्कत बा का? अरे का बोली, ये लड़की पूजा के सिंदूर लाइले भूल गईल भैया। छठ के इतना खास पूजा होला, छोट छोट बात भूल जाइए तो कैसे पूजा करिए, बतावा तू ही। हम देखा तानी शायद कहीं ये सिंदूरवा मिल जाए। तू इनकरा साथे आयल बड़ा ना, कुछ दूर पर बाजार बा, जाके सिंदूर लेके आवा। अच्छा, अने तू बताइबू कि हमरा के कहाँ जाए के बा, कहाँ से कहाँ लेवे के बा? अपना काम से काम रखा। नागेश पर केहू हुकुम न चला सकेला। ए काहे, तू नवाब के नाती हुआ? छठ पूजा में जींस और कुर्ता पहन के रंगबाजी करे आयल बड़ा? सकल बोली से तो नीमन नहीं खा लागत, कम से कम काम तो बढ़िया करा, केहू के मदद करा और पुण्य कमावा। भैया जी छठ के समय बा कंट्रोल, रितु जी आई जावा।
अभी शादी नहीं खे भाई, खाली हाँ भाई बा। तुझी एजा तो सिंदूर नहीं खे मिला, हम बाजार से लेके आवा था नहीं। रितु तू ये ढूंढे कोशिश कर, अब हम बाजार से ले आओ तने। पूजा के समय हो रहा अलबा, अब इतना जल्दी कहां से सिंदूर मिली? हे भोलेनाथ बाबा, अब रो रहे कुछ करी। सुना तू चिंता मत कर, सिंदूर मिल जाए। गंगा के फोन? हाँ गंगा, अभी तो फोन नहीं रहा पांडे जी के। एक काम करो, तू बाकी काम निपटावा, हम फिर बाद में बात करते हैं। तरसे माफ कर दी, हमरा वजह से आपके हाथ पर सिंदूर गिर गई, माफ कर दी। अरे रवा, बार बार माफी कहा है मांगता नहीं। ऐजा केहू सिंदूर ढूंढा था, ऐजा हम रउआ से टकरा गई नी। ऐसा लागता जैसे कि रउआ मदद करे खातिर खड़ा हो गई बानी। वो चाहता कि छठी मैया भी यही चाहता। ला तू सिंदूर खाती परेशान रह लू ना, ला छठी मैया इतना सिंदूर दे दे ली। चला अब जल्दी से पूजा की तैयारी शुरू कर। दोनों एक दूसरे से कितना दूर बढ़े, पर ऐसा लगता कि दोनों एक दूसरे खाती बनल बढ़े। ऐसे ही कर भी समाइते हैं ना, बती भी हमरा से। अरे कब तक गुस्सा रहबे, आ गुस्सा बढ़लो बड़े के बात पे, तो माई माफ ना करबे का हमरा के? लड़का लोग कतनो गलती करो,
माई माफ करे दिले बच्चा के। अमानत नहीं हमरा से गलती हो गई बा, लेकिन ऐसा कौन सा संतान है जरा से गलती ना होकला। माई के दिल बहुत बड़ होला, दुनिया में बेटा कतनो गलती करो, लेकिन आज तक हम ये नहीं सुननी कि माई ओकरा के माफ नहीं के कहले। बोल ना माई। फुआ, भैया के बात सुन रहल बाड़ू मैं। आखिर अपन बेटा से ऐसा कौन गलती भइल बा जेकरा खाती महतारी अपन बेटा के माफ नहीं की करत। फुआ मान जाना, भैया चाहे केहू के कुछो कहतेस, लेकिन इस तरह से इतना प्यार करे ले कि इस तरह से कुछ ऐसा बात कहिए नहीं की सकत कि तू इतना गुस्सा हो जा आ उनका के माफ ना कर। अरे भाई अब तो मान जा, एक तरफ बेटा मनावता एक तरफ भतीजी मनावतिया, अब छठ घाट पर इतना गुस्सा, अगल बगल वाला देखी तखा सोची। लगता है इनका गुस्सा से ज्यादा दोनों बात के जिद धर आ गई बा। हम तो ये खातिर न कही नहीं कि केहू के जान बच सको, लेकिन तू नहीं के देखा था रे। हमरा पता बा माई के सिर्फ ई लौकता कि हम उनका से झूठ बोलनी है। ए बात के इनका जिद बा, यही बात खातिर ही गुस्सा बाड़ी। ए फुआ, ए समय में जब आदमी आदमी के खून के प्यासा हो गई बा, ओहिजा ही जब केहू के जीवन दान देले बाड़े, तब वो तो भैया से गुस्सा हो गई बाड़ी। माफ कर दे फुआ। क्या बात बा चाची, काहे उदास बाड़ी? आज इतना खुशी के परब हो, रउआ इतना दुखी बानी? एगो माई खातिर ओकर बेटा ओकर आंख के तारा होला, जब उहे तारा पर ग्रहण लग जाए तो माई की कैसे बर्दाश्त हुई। हम नहीं की चाहत कि हमार मिथिलेश के बिया ऐसा लड़की के संगे हुई जे ओकर लायक नहीं के। हमार मिथिलेश के स्वभाव भगवान राम जैसन मर्यादा वाला बा, और ओकरा खातिर तो ऐसा लड़की चाहिए जे सीता मैया जैसन गुणवान और ये एकदम पवित्र हो। चाची, जौन रउआ सोचता नहीं वो होखे कि ना, चाहे हो भी सकेला। मतलब ये कि हो सकेला कि राउत बेटा के सीता मैया जैसन जीवन साथी मिल जाए। घरे फोन लगावा तानी पर कोने फोन लगते नहीं खे। रितु, हो सकेला नेटवर्क में दिक्कत हुई, थोड़ा देर बाद फोन कर लिए। मरा के बाबूजी के बहुत चिंता होता, बहुत देर हो गए उनका कोनो हाल समाचार नहीं खे मिलन। रवो बिल्कुल भी चिंता मत करी, थोड़ा देर पहले ही हमरा बात बनवाई से भेल रहे। हाँ सब ठीक बा, रवो चिंता मत करी। डॉक्टर तो कहत रहे कि हमार जीजा जी के इतना जल्दी होश ना आई, पर इनकरा के तो इतना जल्दी होश आ गए। जीजा जी,
बनवारी। हाँ। हम जान गई बने कि नागेश रितु से खाली बदला लेने खातिर ब्याह करे के चाहता। कैसा हूं होके ये ब्याह हमरा के रोके के वा बनवारी रितु के सच सच बताने के पड़ी कि सब नागेश की चाल बा। बाप ओ बाप, जीजा जी के सब पता चल गई। अब का हुई हमार 20 लाख गई पानी में। हे भगवान की कृपा से और हमार कठिन व्रत से जीजा जी रउआ के होश आ गई। पर जीजा जी, रितु तो नागेश के संगे पूजा करे गई बिया घाट पे। हमार फोन ले गया, आज हम रितु के सब कुछ सच बता दे। हाँ लाओ तनी। हाँ संध्या दीदी। हेलो भौजी। हाँ बताई, का होता वेजा? अरे का बताई मोहिनी भौजी, का हो गई पता बटे? आरती भौजी नारियल भूल गई रही घरे, पता नहीं कहाँ से अक्षरा आ गई देवी के रूप में। नारियल तो घरे नहीं गाड़ी में छूटल रहल। माई आज तो उनका नतीजा निकाल दे, भुला जाती छट्टी में कुछ भूले के। लेकिन अक्षरा की वजह से सब शांत हो गयी। हम ओजा नहीं खिनू दीदी, एक हथिन सब काम शांति से हो रहल बा। अगर हम ओजा रहती नू तो ऐसा तमाशा खड़ा करती कि सबके मजा आ जाए। हाँ ये बात तो बाटे। अच्छा हम फोन रखता नहीं, हाँ तो क्यों देख ली ना तो हसे बात करेगा तो कही के हिन्ने के बात उन्ने करा थड़ी। दीदी सुनी रवा जाई, लेकिन याद रखी जैसे कोनो मजेदार बात हुई नू रवा हमरा के फोन करके बता दे। हाँ हाँ मोहिनी भौजी, हम बताइब ना तोहके। तू इंतजार करिया, ठीक बचा तनी। अरे मोहिनी काफी इधर बैठी। एक बात बताई, एक घर में ना केहू के कोनो ढंग लेके। अब देखी आरती दीदी घाट पे नारियल ले जाए खातिन भुला गई, मतलब ऐसे इनकर भुलक कर दिमाग बा। अब ई दिमाग लेके का घर संभालिए और का बाहर के काम संभालिए, लगा ताकि अब बाहर के बागडोर हमें के संभाले के पड़ी। बागडोर संभाले के पड़ी मतलब ऐसे का करे वाली बड़ी तू? अरे हमार नादान पति दे रहुआ ना, एकदम बुद्धू बानी एकदम नादान बानी, यही घर में रहिला लेकिन रहुआ के कुछ नहीं के पता। हाँ 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 ठीक बा, हम बुद्धू बानी नू, तू तो समझदार बाड़ू, तो तू ही बता दा कि घर में ऐसा का चल रहा बा जी हमरा के पता नहीं खे। सुन चाचा जी ना महिला प्रधान खातिन यही घर में से केहू के नाम घोषित करे के बानी, मतलब ई बा कि एक घर में से केहू ना केहू महिला नामांकन खातिन पर्चा भरे जाए। अच्छा माने ये कुल बात तहरा के भी पता चली गई। तोहरा के पता चल गई मतलब? एक मिनट, मतलब रउआ ये बात जानत रह ली हमसे काहे नहीं कह लिया? अरे यार मोहिनी देखा कुल ठीक है, और वैसे भी ये कुल बात अगर हम तारा से कह भी देती तो तू ऐसा का कर लेती? ऐसा का करूँ मतलब? एगो बात बताई, ये घर में महिला प्रधान खातिन हमसे ज्यादा योग्य के बा जो हमसे ज्यादा अंग्रेजी बोले जाने ला, के हमसे ज्यादा फैशन करेला, के फैशन आवेला, के बा हमसे ज्यादा पढ़ा लिखल बताई तनी। अरे मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कह रहे हैं वो सब करा तो पगला गए। अरे का करा ताड़ा रे, हाँ फोन पे बतिया रहे फिर बाप का ढलान समझ ले बड़ा, चल निकला यहाँ से कुल। इतना दिक्कत होता ना तो इतना बड़ घाट में कहीं और जाके बतिया ला, बुझला? ना 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 ना, हम अपना बाबूजी के दलान नहीं ही समझ ले, लेकिन हाँ इतना तो पता चल गई कि तेरा पड़ाका से डर लगा था, कहा था छुरछुरी जला दे छुरछुरी।
ठंडा हो जा बचवा, दिवाली खत्म हो गई बा, फिर गर्मी के जरूरत नहीं खे, बुझा गई। अबे ओ धोती दारी तू कौन हुए रे? हम के यही जरूरी नहीं खे, ये जानल बहुत जरूरी है कि दोनों हमार भाई हसन। अगर अब गलतियों से इन्हीं के ऊपर हाथ उठाई ले, एक हाथ तूर के दूसर का हाथ में दे दे, और कोई पूछे वाला ना उखे जा। जा गईल, हट जैसे। नागेश प्रताप सिंह नाम बा हमार, एक धमकी केहू और के दिया, चल हट हमार सामने से। आर नागेश नाम हो चाचू मुन पांडे, समझ गई ला? आज अगर हमार छठ के व्रत ना होके तरह और हमार माई हमारे से रुसल ना रही और ऐसन हालत करती, ऐसन हालत करती सवेरे से लेकर शाम तक ऐसा दंडवत प्रणाम करता लेकिन छोड़ती ना। जाहिल भैया तनी शांत हो जा, ये अमरिंदर तिवारी हुए, वो गंगापुर वाले प्रधान के हाकिम तिवारी के बेटे, घरा से मार भेड़ और रितु जी भी होके खड़ा बाड़ी। अरे भैया इतना गुस्सा काहे करता नहीं भैया, हम तो बस यही कहते रहे नहीं कि ये पड़ाका के आवाज से ना बच्चा बुजुर्ग के दिक्कत होता, बस यही खातिर हम ही लोग के मना कराते रहे नहीं, इनमें हमार का गलती आप ही बताई। लेको बहुत अच्छा नौटंकी बाजो। तोरा के ना भूलो। के तो तनिको खबर नहीं थे कि हमार का हाल बा, इसे पहले कि हमार गौना हो जाए हमरा के जल्दी से शहर लेके चला, वहाँ हमनी के एक नया संसार बसाई जा। पवन भैया अगरबत्ती दे देते नीट। चैताली बिल्कुल चिंता मत करा, हम पूरा जोर लगावत हैं, फूफा जी के हालत के कारण अभी हम कुछ भी नहीं कर पावत, लेकिन तू तो बिल्कुल चिंता मत करा, हम तरह से वादा करते हैं कि तरह गौना होके से पहले पहले हमने के अपन संसार बसा ली हल चाहिए। कितना किता? 20। लागत नहीं थी, बंद आवत नेटवर्क प्रॉब्लम हुई। हाँ बोल बनवारी। अरे जीजा जी के होश आ गई, जीजा जी के पता चल गई बा कि रवा रितु से शादी करके ओकरा से बदला ले जाता नहीं। ध्यान से सुन, तू वहां अपने जीजा जी के संभाला, हम यहाँ रितु के देखे। ठीक है छोटे सरकार। हाँ बेटा बोल। अभी कुछ हो भी करके गजानन जी के रोके के पड़ी माई, काहे अगर कहीं वो गलती से रितुआ के सामने कुछ बोल दिए तो हमने के भांडा फूट जाए। ओकर चिंता तू मत कर बेटा, गजानन जी के तो हम देख ले, तू तो बस रितुआ के अपने बस में कर, ध्यान रहे बेटा कौनो मौका हाथ से जाए कि ना चाहे। करे डॉक्टर बा का हाल बा गजानन के? गजानन जी के जौन सुई हम बेहोशी के देत रहनी
शायद ओकर असर पहले जैसे निखे ओकर असर बढ़ावे के पड़ी। 8-10 दिन से ज्यादा इश्यू उनका के निखे दिल जा सके, ऐसे कि उनका जान भी जा सकेला। पैसा लेता रहे हमसे और फिक्र तोरा के गजानन जी के बा। ए डॉक्टर, अगर जल्दी से कुछ ना कर लेना तो हमो तो जान की फिक्र ना कर। ध्यान रहे हमार नाम मिथिला ठाकुर है। जी ठकुराई। चैताली ऐसन कैसे कर सकेले? कुछ दिन में ओकर गौना होए वाला बा और वो कोई दूसर लड़का के संगे। छी छी छी। मिथिलेश। हाँ मैं बोलो ना। बेटा हमके तोहरा से एगो जरूरी बात करे के बा। बड़की माई का बतियावत रू मिथिलेश भैया के? हाँ गंगा बोला। मत बोला हमके बड़की माई, तोरा के शर्म नहीं के आवत? अपना मांग में केहू के सेंदूर लगेले बाड़ू और गले लगातारू केहू और के? शर्म नहीं क्या तोरा? यहाँ तो हर बड़ भाई तो हर गौना करावे खातिर अपन जिंदगी दाव पर लगेले बा। यहाँ तक कि कोमल जैसन लड़की से शादी करे जा रहल बा और तू ये सब के बदले में अपन शर्म लिहाज भुला के कोई और मर्द के संग फसल बाड़ू? खानदान के इज्जत मिट्टे में मिलावत आड़ू? बस बड़की माई, कौन इज्जत की दुहाई देता रू तू? हम राउर बेटा की कुर्बानी नहीं की मांगत, ना हम उनके कहल कोमल संग ब्याह कर। हम मिथिलेश भैया जैसन बेवकूफ नहीं थी जो अपन परिवार खातिर कुछो कर ली। हम खाली अपना बारे में सोचनी और हम उहे करक जो हमरा ठीक लगी। कवन तरीका अपने माई से बात करेगी? देखे में तो बड़ा समझदार लगे लू, तारा जबान के इतनो समझ नहीं खे कि किकरा से कैसे बात करे के चाहिए। तो अपना माई के अपमान कैले बाड़ू? तारा इनका से माफी मांगे के चाहिए। हम कहा था नीना माफी मांगा माई से? हमरा के माफ कर दी बड़की माई। जितना सुंदर तू बाड़ू उतने सुंदर तुहार विचार बा। छठ मैया तो के हमेशा खुश रखे। भैया भैया तरह से कुछ कहल चाहते नहीं। बोला ना मिथिलेश। भैया हमने के चाहे कितनों पूजा पाठ पुण्य के काम कर लिया जाओ, अगर माई हमने के नाराज भी है मनी से ना तो सब कुछ अधूरा लगे। लिया बात तो ठीक कह दे रहा, लेकिन हम अपने माई से नाराज नहीं की, हमार माई हमरा से नाराज भी है। हम कई तरह से उनका के मनाए के कोशिश करी है कि माई मान जो लेकिन वो मनते नहीं कि हम का करी। छोट मुंह बड़ बात, एक बात बोली भैया तरह से। अरे यही वो कहा जो कहे के बका। हम ही तो नहीं जाना कि तारा तारा माई के बीच में कौन सी दिक्कत चल रहा बेटे, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते नहीं भैया कि दुनिया के कौनों माई अपना औलाद से संतान से नाराज तो हो सके ले, लेकिन फिर दूर ना हो सके। भैया तरह से हाथ जोड़ के वो निवेदन में भैया एक खाली और कोशिश करो ना, माई मान जी हम भैया। अच्छा भैया चल बनी फिर मिले जी। उपा जी एजा अकेले खड़ा होके का सोच रहल बानी? का कहीं बेटा कि हम का सोच रहल बानी, हमरा के प्रधान के चुनाव ना बड़ा दुविधा में डाल देले बा। रउआ तो हर बात की फैसला चुटकी में कर लेला, फिर चुनाव के लेके खोना दुविधा में फंस गई बानी। नामांकन दाखिल करे के खातिर पर्चा भरे के तारीख भी बढ़ गई बा गंगापुर पंचायत में, फिर का दुविधा बाटे? अरे
पर्चा भरे के तारीख तो बढ़ गई बा, लेकिन ये जो महिला आरक्षित सीट ना घोषित हो गई बा गंगापुर पंचायत में, वो था नानू कैंसिल भाई। फूफा जी, वो कैंसिल भी ना हो सकेला, और महिला आरक्षित पद घोषित भइला से रउआ कौन दिक्कत बा। ई तो सरकार की नीति बा कि समाज में दबल कुचलर पिछला वर्ग के विकास के मुख्य धारा से जोड़न जा, जौना से समाज आगे बढ़े, और जब समाज के हर वर्ग आगे बढ़ी तबे नु विकास हुई पूरा समाज के और देश विकसित हुई। एकरा के मान लेवे में अब मान के आगे बढ़े में ही फायदा बा। तो तू का कहल छात्र? ई है कि रउआ अपन सोच बदली, काहे से कि समय बदल रहल बा, और बदलत समय के साथ जे ना बदली ओकरा के समय फिर अपना मुताबिक बदल देवेला। ठीक बा, छठ पूजा के बाद दोनों फैसला लिया जाए। छठ के पूजा के समय हो गई बा, चले के चाहिए। अरे माई 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 माई, मान जो ना माई, कब से तोरा से माफी मांगा था नहीं, कब तक गुस्सा रहा भी हमरा से? मत बोला हमरा के माई, हमरा तरह से बात नहीं की करेंगे। लागा था रोरा अपन बेटा से बहुत नाराज बानी। हाँ, हम बानी नाराज, तू क्या हो बोले वाली? हमरा के रोरा अपन बेटी समझी, जेकरा कभी अपन माई के प्यार नहीं के मिलन, जे कभी ना जनली कि रूठल माई के मनावल कैसे जाला। शायद बहुत बदकिस्मत बानी हम, जे हमरा माई के प्यार ना मिलल और ना उनकरा के मनावे के मौका। पर रउआ के लड़का रउआ से बहुत प्यार करेला, माई के बिना उकरा के एको पल रहल ना जाला, और ये हम रउआ के बेटा के आंख में देख सकेले, काहे कि ये दर्द हम हर पर हर समय महसूस करेला। चल भाई, हमारे छठ के बहुत संपन्न हो गए। कतना देरी हमारा से गुस्सा रह रहे हैं। हे छठी माई, ये हम कैसन मझधार में फंस गए बानी। हम नागेश से शादी करे खातिर हाँ कह देले बानी, और रहुआ तो जनते बानी हमार जिंदगी के लक्ष्य कुछ और बा। शादी खातिर तो हम कब सोच लेना रहनी, हम तो खाली अपन बाबूजी और माई के वीडियो बने के सपना पूरा करे के चाहत रहे। अपना बाबूजी के जिंदगी के खातिर हमरा के नागेश से ब्याह करे के पड़ा था। रउआ से
ये प्रार्थना बा छठी मैया कि हमरा के सही रास्ता दिखाई। सुनी राउर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कोना बात के? अम्मा जी से जब रहुआ बतियावत रहनी तो हम ओहिजा रहनी। राउर बात से इनकर माई की नाराजगी दूर हो गई। हाउ देखी माई बेटा कितना खुश बाड़न और ई सब रउवे कारण भइल बा। हमरा से अपन पति के दुख देखल ना जात रहे पर रउवा आके सब ठीक कर देनी। आज हम राउर जिंदगी के बारे में दूगो बात जान गईनी। एगो बात ई कि राउर माई नहीं थी जे रउवा के जन्म देले रही और दूसर ई कि रउवा आपन जिंदगी के लक्ष्य छोड़ के अपने बाबूजी खातिर शादी के बंधन में बंधे जात बाड़ू। हम रउवा से बस इतना कहल चाहतानी कि हमनी के जिंदगी में वो हमेशा ना मिलेला जे हमनी के चाहत बानी पर वो जरूर मिलेला जेकरा हम लायक बानी। हम तो अनपढ़ गवार हैं। हमरा के जिंदगी में जो कुछ भी मिलल हम ओही में खुश रह गईनी पर रउवा अपन दिल छोटा ना करी। राउर जिंदगी में वो सब कुछ मिली जेके हकदार रउरा बानी। रउवा छठी मैया से प्रार्थना के लिए बानी और हमरा अपने छठी मैया पर पूरा विश्वास बा वो राउर प्रार्थना जरूर पूरा करेंगे और हमहू रउवा खातिर छठी मैया से प्रार्थना करब। रउवा देखत रहा रउवा के बहुत उमन जीवन साथी मिली जे रउवा के बहुत प्यार करे और राउर सपना पूरा करे में मदद भी करे। छठी मैया हमेशा राउर साथ रहब। हमरा के हमेशा अपन बाबू जी से हिम्मत मिलत रहे। बाकी आज रउआ लोग के बाद हमरा के बहुत हिम्मत दिले बा। राउर बहुत बहुत धन्यवाद। ए बौजी बुआ जी रउआ दोनों के बुलाओ तनी चली। हाँ चल जाई। छठी मैया के कृपा से अब सब ठीक हो गए। चलो चलो लोग घरे चले के तैयारी करो। अरे रुकी बाबू जी अभी तो प्रसाद दीक्षा लिहल बात ये बा। अरे हाँ हम तो भुलाइए गए रहनी। एक बार रुको ये जितना प्रसाद दीक्षा वाला कार्यक्रम बा हूँ एक जल्दी जल्दी खत्म करो। भाई तुम तो अभी प्रसाद समेटा चले कुछ प्रसाद बटे तो हम बांट के। बहुत देर हो गई बाप जल्दी से निकला। आइए सुनी रितु जी मिथिलेश तारा से मिलकर बहुत अच्छा लागल बहुत नहीं मन। जब तू ये तरफ अब ना तो हमने के गांव जरूर रही। बिल्कुल ठीक बा ना भूलिया मत और परिवार में सबका ख्याल रखिए। बिल्कुल आप अपन ख्याल रख पक्का।